हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी ओर से प्रणाम और सुप्रभातम। आज मैं 6ठी क्लास के हिंदी विषय के पहले अध्याय का अध्ययन करवाऊंगी, जो कि जिसका नाम वह चिड़िया जो। वह एक प्रकार की कविता है। उस कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, यानी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रत्येक कवि अपनी रचना के द्वारा किसी न किसी प्रकार का संदेश या किसी न किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य देते हैं। तो आज हम उस शिक्षा और उस उद्देश्य को जानने के लिए पहले इस कविता के भाव को समझेंगे कि कवि इस कविता में किसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं। तो चले, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में गीत गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग के साथ रहती है। वह उफनी नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती से बूंदों को चौच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्यों के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इस कविता में कवि केदारनाथ जी हमें उस चिड़िया के जो गुण है, यानी वो जो नीले पंखों वाली चिड़िया है ना, उसके जिस प्रकार के जितने भी गुण हैं, वो गुण हम बच्चों में या हमारे अंदर भी वो गुण आए। उनका उद्देश्य इतना है कि जो चिड़िया के जितने भी गुण उस कविता में हमें बताए जाते हैं, वो गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए। तो चलो हम आज अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति इस प्रकार है, वह चिड़िया जो चौच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर जूड़ी शब्द का तात्पर्य बाजरा से है, यानी जौ, जौ के दाने से, यानी बाजरे के दाने से। रुचि का अर्थ यहाँ पर इच्छा से, अपनी पसंद से और इच्छा से। संतोषी यानी सब्र करने वाली है, और रस से यानी आनंद से भरी हुई। इसका भाव यह है कि कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह संतोषी है। यानी इस पद में चिड़िया को जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसे खाने के बाद वह एकदम संतुष्ट रहती है और प्रसन्न रहती है। उसे अन्न से अधिक प्रेम है, यानी उस जंगल में, घने जंगल में उसे केवल मात्र एक जौ या अन्न के दाने ही मिलते हैं जो दूध से भरे हुए होते हैं। वह खाने के बाद वह एकदम संतुष्ट रहती है, उसे कोई दूसरा भोजन प्राप्त नहीं होता, वो एक ही भोजन को जीवन भर खाकर भी संतुष्ट है। तो मनुष्यों को भी जीवन में जो कुछ भी मिलता है या जो कुछ भी किसी प्रकार की प्राप्ति होती है, उसे प्राप्त करने के बाद संतुष्ट रहना चाहिए। कवि पहला गुण हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में भी संतोष होना चाहिए। हमें जितना भी प्राप्त होता है, उसमें हमें संतुष्टि करनी चाहिए। बच्चों की यह बहुत बुरी गंदी आदत होती है कि माता पिता उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें अच्छा खाना देते हैं, फिर वो बोलते हैं मुझे मैगी खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। आपको इतना सारा भोजन मिलने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते, तो हमें भी वो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया के जैसा बनना है। और हमें भी जो कुछ भी मिलता है खाने के लिए, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारा ये पहला गुण है। दूसरे पद की पंक्ति इस प्रकार है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ यानी गला, खोलकर यानी नीडर होकर, वन बाबा यानी पुराना वन घन यानी पुराने जंगल के लिए
उड़ेल कर यानी बिखेर कर, विजन यानी सुनसान, जहाँ किसी प्रकार के कोई लोग नहीं आते, उसे विजन से बहुत प्यारे यानी शांति प्रिय है वह चिड़िया। इसका भाव यह है कि चिड़िया ऊंचे और मधुर स्वर में गीत गाती है, उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। वो गीत किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए, यानी पुराने जंगल की खातिर। और पुराना जंगल कष्टों से भरा हुआ है, बाधाओं से भरा हुआ है। उस जंगल में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, फिर भी वो जंगल को छोड़कर नहीं जाती और उस बूढ़े वन से यानी पुराने वन से वो बहुत प्यार करती है और अपने सारे जीवन के सारे गीत उसको समर्पित कर देती है। तो हमें दूसरे पद से दूसरा गुण यह प्राप्त होता है कि हमें भी अपने जीवन में किसी भी स्थिति में खुश रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। तीसरा पद इस प्रकार है, वह चिड़िया जो चौच मार कर चढ़ी नदी का जल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। टटोलना यानी ढूंढ कर, गर्बीली का तात्पर्य गर्व करने वाली से है, जल का मोती से तात्पर्य पानी की बूंदों से है। इस पद में भावार्थ यह निकलता है कि चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी जरूर है परंतु साहसी है, वह जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भर कर ले आती है। यानी नदी जानती है कि वो नदी उफनी नदी है, यानी तेज बहाव में बहने वाली नदी है, फिर भी वो डरती नहीं है और उस नदी का पानी पीकर आ जाती है। और वह अपने आप पर गर्व भी करती है कि मुझे अपने आप ऊपर गर्व है। यानी हमारा तीसरा गुण यह होना चाहिए कि चिड़िया के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य पर गर्व होना चाहिए। कवि हमें इसके माध्यम से यह सिखाता है कि हमें साहस करना और गर्व करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कवि ने इस कविता में हमें तीन गुणों से अवगत करवाया है। पहला गुण हमारा है संतोष, यानी संतोषी रहना। चिड़िया जौ के और अन्न का दाना खाकर भी संतुष्टि को प्राप्ति करती है, तो हमें भी अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने के बाद संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा गुण है प्रसन्नता और खुशी। चिड़िया बूढ़े जंगल में रहने के बावजूद भी उसे छोड़कर नहीं जाती, उससे प्रेम करती है और उसमें रहकर प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करती है। तो हमें भी अपने जीवन में हरेक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। तीसरा गुण है हिम्मत और साहसी। चिड़िया जानती है कि नदी तेज बहाव में उसे बहाकर ले जा सकती है, परंतु वह अपने साहस को नहीं छोड़ती और वहां से पानी पीकर पुनः लौट आती है और कहती है कि मुझे नदी से अधिक प्रेम है। नीले पंखों वाली चिड़िया कोई नाम नहीं है कवि की, केवल मात्र एक कल्पना है। कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से हमें इन तीन गुणों से अवगत करवाया है। उसने कहा है कि नीले पंखों वाली चिड़िया में जो जिस प्रकार के जितने भी गुण हैं वो हम सब में आने चाहिए और सभी बच्चों में भी आने चाहिए। अगर किसी के बच्चे के पास या किसी में भी ये तीन गुण नहीं है तो वो इस तीनों गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करें। धन्यवाद। सुप्रभातम। मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी।